उतना किसी चीज में नहीं। दूध सबसे अच्छा पोषक है बैक्टीरिया वायरस का, इसीलिए दूध से बनी हुई मिठाइयों को 24 घंटे बाद नहीं खाना चाहिए। 24 घंटे बाद खोआ मावा की बनी या दूध के किसी भी पदार्थ की बनी मिठाई किसी भी कीमत पर खाने योग्य नहीं है। लेकिन नहीं, सड़ी सड़ाई बर्फी खरीद लेंगे 15 दिन पुरानी बनी हुई, दिवाली में तो डेढ़ महीना पुरानी खरीद लेंगे। बसा है समोसे और कचौड़ी खाने वाले भ्राता श्री से मेरा अनुरोध है कि अगर खाते हो तो इतना ध्यान जरूर रखें और मेरी बात को ध्यान में रख लें, कोई भी बसा एक बार गर्म हो जाएगी तो वो ठंडी होने के बाद पॉइजनस हो जाती है। और जितने भी समोसा कचौड़ी है ये तेल या घी या रिफाइंड में सेके जाते हैं। हलवाई पूरी कढ़ाई भर लेगा रिफाइंड की, उसमें समोसे डाल देगा और उसने चार छह धान सेक के रख लिए, भट्टी ठंडी कर दी, जब तक वो बिकरे नहीं है तब तक कोई बात नहीं, वो ठंडी हो रहा है। एक बार बसा ठंडी हो गई वो पॉइजनस हो गई, दोबारा फिर समोसाओं की जरूरत पड़ी, फिर गर्म करके सेकना शुरू कर दिया, तो वो जो समोसे उनमें जो सिर पॉइजन पहुंच गया बसा का, जो हमारे शरीर के ये लंग्स तो हमारे गुर्दे किडनी इनको खराब, और किडनी हम दारू नहीं पीता है लेकिन फिर भी उस आदमी की दोनों किडनी खराब हो गई, उसको पूछना वो समोसे कटोरी जरूर खाता हूं, और वो झड़ेल में सिके हुए होते हैं, वो स्लो पॉइजन उनके इन अंगों को खत्म करता है जिसका पता ही नहीं लगता। तो इसी तरीके से दूध जो है वो बैक्टीरिया वायरस का सबसे बड़ा संवाहक है, इसलिए दूध को हमेशा गर्म करके पिया जाता है, कच्चा या ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उबलने के बाद उसमें से बैक्टीरिया वायरस नष्ट हो जाती है। तो बकरे के सीमन से निकलने वाले बैक्टीरिया वायरस जो गंध के रूप में वो दूध में जब हो जाते हैं और बकरी के दूध में ही खाने लगती है, अगर बकरा अलग रहेगी तो बकरी के दूध में ही नहीं है, ठीक है भाई साहब। बच्चे अलग रहेंगे तो बीमार कम होंगे, क्योंकि जितने भी रूमिनेंट है, रूमिनेंट मतलब जुबाली करने वाले जानवर जो क्वार करते हैं बाहर निकाल के दोबारा चारे को मतते हैं, उनको रूमिनेंट कहते हैं। तो जितने भी रूमिनेंट है उनके जो स्टमक है उसके चार पार्ट होते हैं, जबकि हम लोगों का एक ही स्टमक होता, या जो रूमिनेंट नहीं है उनके सबके एक ही स्टमक होता। तो बच्चा जब तक दूध पीता है तब तक उसके भी एक ही स्टमक होता है, आगे चल के जब चारा खाने लगता है तब उसके अन्य तीन पार्ट जो पेट के होते हैं वो विकसित होते हैं। तो बच्चा बिल्कुल बहुत ही मासूम इंसानी बच्चे की तरह से होता है बकरी, इसलिए बकरों के बच्चों की दवाइयां भी वही है जो इंसानी की इंसानों की है, क्योंकि उसकी सेम स्थिति होती है दूध पीते वक्त। तो हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे जो है वो बकरी से ज्यादातर अलग रहे। जब बकरी हमारी ब्याती है 5-6 दिन बच्चा उसके पास रखो, बकरी को भी वही रखो, चरने वरने मत भेजो। और जब जिस दिन से बकरी ग्रेजिंग पे जाने लगे या अन्य बकरियों के साथ रहने लगे फिर उसको माँ बच्चे के पास बता दे, बच्चा अपने बारे में बकरी अपने बारे में, नंबर सब पे पड़े हुए पहचान हो जाएगी, और वैसे माँ अपने बच्चे को खुद पहचान लेती है, चाहे वो पशु की हो चाहे इंसानी हो ह्यूमन बींग में। लेकिन फिर भी आप पहचान के लिए नंबर डाल के रख सकते हो, नंबर पड़ता है एक सिल्वर नाइटेड से या बालों की लगाने वाली डाई से या कान में टैग लगा के, वो मैं प्रैक्टिकल में आपको सब समझा, ठीक है भैया, नंबर इनके सिखाऊंगा मैं। तो नंबर से बच्चे को लाइए, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया था पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से ठंड धोइए, और ठंड धोने के बाद बच्चों को दूध पिलाइए, दूध भी ज्यादा नहीं पिलाना। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ओवर फीडिंग से दस्त की बीमारी होगी, दूध भी वेस्ट हो रहा है और बीमारी भी मोल ले रहे हैं, दोनों दिनों से क्यों जा रहे हैं। दूध एक बार बच्चा छोड़ दो, उसका एक सरल तरीका जो डॉक्टर साहब ने भी नहीं बताया, मैं नोट कर रहा था, मैं बता रहा हूं, एक बार बच्चा छोड़ दो, एक बार बच्चा ठंड पकड़ ले,
जैसे ही ठंड छोड़ा पकड़ के उसके बाहर ही पड़ा, शेष दूध जितना बचा है सब निकाल। ये पक्की पहचान पृष्टी का अनुभव है मेरा कि जितना बच्चे को बच्चा ठंड छोड़ेगा ही तब। ये प्रबंधन के 200 साइंटिस्टों के रिसर्च का निचोड़ है मेरे पास, जो मैंने किसानों तक पूरे जीवन पहुंचाया कि कैसे पहचान करें कि बच्चे को कितना दूध चाहिए। बच्चे को एक बार थन पकड़ने पे जितना दूध पी सकता है सिर्फ उतना ही दूध चाहिए, उससे ज्यादा दूध अगर दे रहे हो तो वो व्यर्थ में जाना है और बीमारी बनाएगा, फायदा कुछ नहीं करेगा। तो सर दूध जो है दोनों टाइम निकालना पड़ेगा, दोनों टाइम देना है और दोनों टाइम ही निकालना है। तो वैसा थन पोटेशियम परमैंगनेट से साफ करने जिससे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं लग जाए। बच्चे को किसी कीमत पर मिट्टी नहीं काटने देनी है। बच्चे के बारे में हमेशा पुआल डाल के रखना है, पुआल को भी हर दूसरे तीसरे दिन बदलते रहना है, खाद के गड्ढे में डालते रहो। ये नहीं कि एक बार पुआल डाल दिया एक महीने तक बच्चे उठी में अमोनिया बनेगी और एक रात में सब ढेर हो जाएंगे, समझे कि नहीं, क्योंकि बकरी के मूत्र में और मल यानी मैंगनी में विशेष अमोनिया होती है, जो बाड़ा बनाने का जब मैं बताऊंगा, जब आपको समझाऊंगा जब बाड़े की चौड़ाई ज्यादा क्यों नहीं रखी जाती है। बहुत बारीकी से मैं ऐसी चीजें समझाऊंगा जो खाली बीमारियों से इलाज करके ही आप बकरियों को नहीं पाल पाएंगे। बीमारियों का इलाज तो तब है तब हम जो प्रबंधन बताएंगे उसमें ढील रहेगी, तब बीमारियों की जरूरत पड़ेगी। उन्हें जो विधायक साहब कितना सुना दे गए इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर हमारी बात मान के उस तरीके से पालो तो प्रबंधन के वैज्ञानिक रहे हूँ, हमारा प्रबंधन ही इतना चुस्त दुरुस्त होना चाहिए कि बीमारी आए, समझेगी। तो आप जो बच्चों को बकरियों को और भीड़ और बकरों को और बड़े बड़े खस्सी बकरों को भी अलग अलग मान लीजिए, बाड़ा ये नहीं है कि आप पांच बाड़े बनवाओ, एक ही बाड़े में आप बांस लगा दीजिए, जाली लगा दीजिए, पार्टीशन कर दीजिए कि एक दूसरे से मिले नहीं। तो एक तो आपका प्रबंधन दुरुस्त हो गया, दूसरे आपकी क्रॉस ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग से बचाव फार्म पर हो गया। फार्म पे जब ब्रीडर बकरा बकरियों के पास नहीं होगा तो ना क्रॉस ब्रीडिंग होगी ना इनब्रीडिंग, ठीक है। बकरी तो बकरे के पास तभी जाएगी जब हम ले जाएंगे, और हम उसी बकरे के पास ले जाएंगे जो उसकी जात का हो, हम उसी बकरे के पास ले जाएंगे जो उसका बाप या भाई ना हो। तो क्रॉस ब्रीडिंग इनब्रीडिंग कैसे हो जाएगी, बच गए फार्म पर। चलो साहब फार्म पर तो बचा लिया हमने, लेकिन हम हमारे पास ग्रेजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, हम जो है बकरियों को चरने भी बेच रहे हैं, जंगल है हमारे पास, क्यों ना फीडिंग कॉस्ट नीचे लाने के लिए बकरियों को चराया जाए। लेकिन जब चरने जाएंगी तब तो पार्टीशन नहीं होगा, तब वह जाली जाली लगा के दौड़े ले जाएंगे पकड़ के, क्या बकरियां इधर चल रही है बकरा इधर चल रहे हैं। बच्चों को तो फिर भेजने की जरूरत नहीं है एक से तीन महीने तक, क्योंकि वो घास वास खाता ही नहीं, तो क्या जरूरत है जंगल भेजने की, ठीक है। अब बच्चों को अंकल उनके लिए जाली लेके थोड़ी घूमोगे। फिर दूसरा रास्ता आता है कि साहब बकरे अलग चरने भेजेगा या बकरी अलग चरने भेजेगा, लेकिन उसके लिए हमारी मैन पावर की कॉस्ट पड़ेगी। एक आदमी बकरियां ले जाएगा, एक आदमी बकरा ले जाएगा। हमारा कॉमर्शियल फार्म है जो हमें एक आदमी पे चलाना था, अब हमारे दो आदमी हो, अब कम से कम 5-6 हजार रुपए का लेगा, गमार से भी गमार आदमी रखोगे तो चराने के लिए आज के समय, और 6 हजार रुपए महीना भी कोई पड़ेगी साहब। ये चौथी क्रॉस ब्रीडिंग इनब्रीडिंग बताई गौतम जी, एक आदमी से काम चल रहे हो दो करवा दी, लेकिन नहीं एक से भी काम चलेगा। उसमें क्या करना है आपको, तो जो बकरा जैसे हीट डिटेक्शन के लिए जैसे कपड़ा बांधा था आपने, ब्रीडर बकरों के सबके एक कट्टा या कोई मोटा कपड़ा लेके चार तनी लेके उसकी पीठ पे कर्रा बांध दो और उनको बंद पैक कर दो और जाने दो बकरियों के साथ, एक ही आदमी के साथ भेज दो, ले जा भैया सब बंदा हुआ आज क्या कर लेगा। हमें एक फायदा और होगा कि हमें ये और पता चल जाएगा कि कौन सी बकरी हिट में आ गई है। मान लो रास्ते में वो किसी बकरी पे चढ़ता है तो हमारे ग्रेजियर को पता लग जाएगा कि ये हीट में 56 नंबर की बकरी साहब हीट में आ गई है, आपको आते ही बता देगा।
और क्रॉस बीने वाले पीढ़ी से भी बच गए, आदमी एक ही गया, दो तो नहीं गए, सिर्फ चार कपड़ों का खर्च बढ़ा दो, एक बार ज्यादा ज्यादा 20 रुपए में आ जाएंगे, 25-30 में 100 रुपए में आ जाएंगे ज्यादा ज्यादा। प्लास्टिक के कट्टे पर तमाम सीमेंट के खाली हो जाते, फ्री में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्रॉस बीडिंग इन बीडिंग को हम फील्ड में भी बचा सकते हैं बगैर मैन पावर बढ़ाए। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इस तरीके से आप क्रॉस बीडिंग और इन बीडिंग को बचाते हुए, बकरा बकरी बच्चों को अलग अलग सेपरेट रखते हुए सही प्रबंधन करोगे, सेलेक्ट ब्रीडिंग कराओगे और क्रॉस ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग को बचाते हुए नस्ल उन्नयन पर सतत कार्य करोगे तो आप निश्चित रूप से अपने लाभ को दुगुना तिगुना चौगुना तक कर सकते। अब आती है बकरे की बात, तो मैं आपको बताऊं, अगर 2-4 से 10 बकरी पालनी है तब तो आप एक बकरा ले आए और एक बकरे से एक बार गाभिन करा ली बकरियां, उसके बाद या तो अपने बकरे को पड़ोसी को दे दो, दूसरी जब पीढ़ी आ रही है तो उसका बकरा आप ले लो, या उस बकरे को बेच दो और दूसरा बकरा खरीद लो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन अगर आप कॉमर्शियल रोड फार्मिंग करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप 50-100 बकरी पालेंगे। 10-5 के लिए आप इतनी दूर दूर से गाड़ियों में चल के और ट्रेनों में यात्रा करके नहीं आए, तो 100 बकरी आपको पालनी है तो एक 25 बकरियों पर एक ब्रीडर बकरा रखना आवश्यक है। 25 बकरियों पर 20 से 25 बकरियों पर एक ब्रीडर बकरा रखना आवश्यक है। अब आपके पास मान लीजिए 100 बकरी है, 100 बकरी है तो आपको बकरे चाहिए 5 क्यों चाहिए भाई? 4 तो हो गए 25-25 के हिसाब से, और एक बकरा इसलिए रखना है फालतू का, मान लो कोई बकरा बीमार हो जाता है, नाकाबिल हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसके लिए एक फालतू रख। अब हमारे पास बकरियां 100 हैं, इनके 25-25 के ग्रुप बना दो 4, ABCD नंबर डाल दो, 1 से 25 तक 1, 26 से 50 तक 2, 51 से 75 तक 3 और 76 से 100 तक 4, ये नंबर और रजिस्टर मेंटेन कर दिए। ये ए ग्रुप की, बी ग्रुप की थी, ये जो हमारे 4 बकरे थे, एक को तो रखिए एक्सपायर में, 4 बकरों का नाम भी ABCD रख, ठीक है ना? अब पहली बार बकरियां खरीद के आई है और बकरे भी आपके पहले ही है, बकरा कहीं से आया बकरी कहीं से आई है, तो इनब्रीडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, समझे कि नहीं? इसीलिए कभी भी एक ही जगह से बकरा और बकरी नहीं खरीदने चाहिए, ब्रीडर बकरा किसी दूसरे स्थान से या दूसरे गांव से खरीदो, जिस गांव से बकरियां ले रहे हो वहां से मत खरीदो, क्योंकि वो पहले से ही इनब्रीड हो सकता है, समझे कि? तो उस संभावना से बचने के लिए बकरा दूसरी जगह से। अब ये इस तरीके से बकरियां पहली बार अगर हीट में आती है, ए ग्रुप को ए से, बी ग्रुप को बी से, सी ग्रुप को सी से और डी ग्रुप की 25 बकरियों को डी से गाभिन करा, ठीक है ना? अब इनकी जो बच्चियां आई तो इनके जो नर हैं वो ए ग्रुप के नर हो गए, जिनके जीन ए ग्रुप के, अब इससे जो भी नर पैदा हो वो इस ग्रुप की बकरियों पर कभी प्रयोग मत करो, इससे जो नर पैदा हो उनके लिए बी सी डी 3 ग्रुप है, इसके लिए ए सी और डी है, इसके लिए डी ए बी है, इसके लिए सी बी ए है, 3 ग्रुप हमारे पास है बकाया, इस ग्रुप में दोबारा उसे प्रयोग नहीं करना है दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी की जो मादा आती है, बी को ए मिले जाओ, ए को बी मिले आओ, सी को डी मिले जाओ, डी को सी मिले आओ, इस तरीके से ग्रुप बदलते हुए 4 वर्ष तक हमें बकरा बदलने की आवश्यकता नहीं है और इन ब्रीडिंग से हम बच जाएंगे। और 4 वर्ष में हम अपने ही इन बकरों में खून का रिश्ता बचाते
फार्म में सैकड़ों बीडर तैयार कर सकते हैं अपने फार्म पे, फिर हमें बगरा खरीदने की आवश्यकता ही नहीं रही। फिर हम ब्रीडरों के सप्लायर होंगे, फिर हम ब्रीडरों के ग्राहक नहीं होंगे, हम ब्रीडरों के सप्लायर होंगे। हम सेलेक्ट ब्रीडिंग करा के इन ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग से बताते हुए उन्नत नस्ल के ब्रीडर बकरे अपने यहां तैयार कर रहे हैं, जिनकी मां 3 बच्चे और 3 दूध देने वाली है। नेट का प्रचार कर दो धुआंधार कि हमारे यहां जो है अच्छी नस्ल के और अच्छी आनुवंशिक के ब्रीडर उपलब्ध हैं, जिनकी मां 4 बच्चे और 4 लीटर दूध देती है। लोग आपके कॉन्टेक्ट करेंगे, आपके देखेंगे, जब एक ही बकरी के आगे 3 बच्चे घूमते हुए नजर आएंगे तो उन्हें विश्वास हो जाए यार हर बकरी के 3-3 बच्चे, तो इनके पास तो निश्चित रूप से ब्रीडर होंगे। तो जो ब्रीडर आपको मार्केट में 20,000 में मिल रहा है, आपके यहां तो 35-40,000 में ले जाएगा। तो इस तरीके से ब्रीडर आपके पास स्वयं तैयार हो जाएंगे, जो इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग से परे होंगे, और ब्रीड के रिश्ते को बचाते हुए नस्लों में अंतर सतत काम करते रहिए, तो आप अपनी आमदनी को दुगनी तिगनी और चौगुनी कर सकती। अब आप बताएं नस्ल सुधार में, नस्ल सुधार क्यों जरूरी है, समझ में आया कि नहीं आया? नस्ल सुधार कैसे करना है, समझ में आ गया? इन ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग को बताते हुए ऐसे बकरों का प्रयोग जिनकी मां ज्यादा दूध और ज्यादा बच्चे देती है, शरीर पर नहीं जाना, आनुवांशिकी पर जाना। न रूप देखिए न नाम देखिए, बस देखिए तो आदमी का काम देखिए। बकरे का काम देखिए, उसका रूप मत देखिए, उसका नाम मत देखिए। लेकिन रूप न देखने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम मरेगा बकरा ने आपको धक्का मारू गिर पड़ा। शरीर भी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हमारी बकरी के जोड़ का है जरूर, पर लड़की के लिए भी लड़का देखते जाते हैं तो लड़की के हिसाब से देखते कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की ने थप्पड़ मार दिया और उसके मुंह में पानी डालना पड़े। बोलो तो वह चेंज करता है, ये बहुत बदलाव आदमी है। छोटे स्केल में आपको क्या करना है कि आप एक बार बकरा प्रयोग करें, अपने बकरे को अपने मित्रों के ग्रुप बना लें, और कोई आपके साथ भी मित्र, जैसे आपके 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 इस बैच में आपने 2-3 दिन साथ रहेंगे, 3-4 मित्र बना लो, थोड़ा मीठा बोलोगे ना तो मेरे कागा काको घर आ रहे बोले भाई मीठे वचन सुनाए के जब जगह प्रयोग कर ली 5-4 दिन